हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा नई भर्ती जारी हुई है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नंबर 9 फॉर्म जारी हो चुका है। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या हाई स्कूल वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी की नई भर्ती आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं सरकारी रिजल्ट पर। तो सरकारी रिजल्ट पर जैसे भी हम ओपन करेंगे, सबसे ऊपर हमें दिखाई दे जाएगा, देखिए इस पर जब हम लेटेस्ट जॉब में जब हम जाएंगे तो आपके सामने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नंबर 9 ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ये खुल करके आ जाने वाला है। तो ये देखिए आपके सामने ये नई भर्ती आई हुई है, नई वैकेंसी है एकदम। एप्लीकेशन कब से इसका स्टार्ट है, यानी कि 24 सितंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा लास्ट डेट इसकी क्या है, वो 25 अक्टूबर है, याद रखनी है आपको। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आपके सामने 28 अक्टूबर है, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑफलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपके सामने ये रहा 1 नवंबर। सीबीटी का एग्जाम जो होगा इसका, वो जनवरी फरवरी 2022 में इसका एग्जाम की डेट आई है। एडमिट कार्ड तभी इसका जारी होगा। फीस इसकी क्या है, जनरल ओबीसी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 100 रुपया फीस रहने वाली है, और एससी एसटी वालों के लिए 0 फीस है। किसी भी मोड से आप इसको पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है, तो आप जान लीजिएगा। यदि आप मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो एज ग्रुप है, एज आपकी 18 से 30 वर्ष की उम्र इसमें होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 को यदि आप 18 से वर्ष के हो गए हैं, 30 से कम के हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई किसी भी बोर्ड से आपने पास किया हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब आप, बैचलर डिग्री है आपके पास तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3200 टोटल पोस्ट है आपके सामने, अच्छी खासी वैकेंसी है, इसीलिए आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा। देखिए सेंट्रल रीजन होता है इसमें आपके सामने, एक मध्य प्रदेश रीजन होता है, एक नॉर्दर्न रीजन होता है, ये आपके सामने रीजन वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो रीजन वाइज बात होगी तो देखिए इसमें होने क्या क्या वाला है आप समझ लीजिएगा। काइंडली चेक ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल, ये सब चीजें आपको अच्छे से चेक करनी है। फोटो आईडी साइन वगैरह इसमें चाहिए होगा, सारी चीजें आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। देखिए अप्लाई ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन में आपको इसका दिखा देता हूँ क्या नोटिफिकेशन है, सबसे पहले उसको समझ लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस क्या करना है आपको। ये देखिएगा, ये आपके सामने पूरा का पूरा खुल करके आया, ये देखिएगा पूरी इसमें ब्यौरा है आपके सामने, कब से इसका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, कब तक चलने वाला है। जैसा कि बताया 24 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक इसका अप्लाई ऑनलाइन चलेगा। 28 इसमें अक्टूबर जो है वो इसमें लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, नीचे चल के थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिएगा मैं आपको पूरा इसमें प्रोसेस बता दूंगा क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या। यदि मान लीजिए आप EWS कैटेगरी है, जो भी आपके पास कैटेगरी है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वेरीफाई के वक्त आपको इसका चाहिए होगा। ये देखिएगा पूरा का पूरा आपके सामने ये खुल करके आ रहा है, पूरा वो है आपके सामने नोटिफिकेशन है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 18 वर्ष से होनी चाहिए, 18 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र के बीच के हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन एससी एसटी वालों को 5 साल का दिया गया है, ओबीसी वालों को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, याद रखिएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें आपके सामने, ये देख लीजिएगा किस तरीके से कौन कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले आपका एग्जाम होगा, तो उसके बाद जब इसमें प्री होगा फिर मेन्स आपका एग्जाम लिखा जाएगा, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो पूरा मैं आपको इसमें सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक बार, जब आप इसका सिलेबस देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपये है, आपको 100 रुपये पेस जो है पे करनी होगी, यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तब आपके लिए। देखिए आपके सामने एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर के कोड है बिहार वाले, ये आपके सामने भागलपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, ये सब आपके सामने हो जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर, बाकी ये सारे के सारे सभी स्टेट वाइज जो है आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से। अब आपका इसका सिलेबस देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने यही है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस जो आपकी जीएस है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, आपकी जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, 50 नंबर, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा
इंग्लिश जो है वो आपकी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का इसमें समय रहता है। तो एसएससी नेगेटिव मार्किंग आप याद रखिएगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी दो नंबर का क्वेश्चन है तो 0.50 यानी कि मार्क्स कटेगा। इसका मतलब आपके सामने 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आप चीजें याद रखिएगा। ये आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा, सिलेबस का लेवल जो है वो आपके सामने साफ साफ लिखा गया है, मैट्रिकुलेशन का लेवल जो है वो आपके सामने सिलेबस का है, जनरल इंटेलिजेंस आपके सामने ये चीजें आने वाली हैं, ये आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग होता है आपका, किस तरीके से आपको तैयार करना है, जनरल अवेयरनेस जो हो जाती है आपकी, जीके जीएस ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। देखो इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इन्वायरमेंट और कंट्री अफेयर, ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके सामने है, इस सिलेबस को आप तैयार कर लीजिएगा, और जनरल इंग्लिश आपका सामने ये वाला सिलेबस का, तो इसको आप तैयार कर लेंगे आसानी से, आपका इसमें अच्छे से तैयारी रहेगी, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 10+2 लेवल के बारे में बात करें तो ये देखिएगा, जनरल इंटेलिजेंस ये सिलेबस है आपके सामने 10+2 वालों के लिए, जनरल अवेयरनेस ये रहा, एप्टीट्यूड देखिए सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। यदि मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो आपके सामने इंटेलिजेंस में ये टॉपिक जो है आने वाले हैं, देखिए क्या क्या टॉपिक हैं आपके सामने, ये सारे सारे टॉपिक हुए हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस थोड़ा सा इसका अलग है, इसमें अच्छे से थोड़ा डीप लेवल पूछा जाएगा, क्योंकि जो है ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्जाम भी है, क्योंकि 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों ही इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तीनों लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम रहेगा, तीनों का लेवल अलग रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इसका आप अप्लाई कीजिएगा रहे ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, आधार कार्ड है या नहीं, आधार नंबर आप इसमें अपना डाल देंगे, वेरीफाई आधार को करा दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे ये है आपके सामने, ये इस पे कर देंगे, आधार नंबर आप डालिएगा, वेरीफाई कराइएगा, दोबारा उसमें डालिएगा, आईडी आपको डालनी है, जो भी है आपकी आईडी नंबर, नेम वगैरह आपको डालना है, ये सारी चीज़ें आपको। यदि आपने एक बार एसएससी का फॉर्म भर रखा है तब आपको ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, तब आप सीधा इसको लॉगिन पर जाएंगे, क्योंकि एक बार भी यदि आपने कर रखा है तो यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, यदि आप पासवर्ड भूल भी गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपके लिए। यदि आपने कोई भी एसएससी का फॉर्म भरा हो पीछे वाले समय में तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, तो इस पोस्ट जो है आराम से आप इसको डाल दीजिएगा। और कल जो है एमटीएस का भी एडमिट कार्ड आया था, वो भी मैंने आपको बताया था, कोई भी डाउट हो आप आसानी से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।